मैं इसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, ठीक है। व्हाट इज योर होम? व्हाट इज योर होम मतलब घर रे, घर का। तो गाइस हम यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो टकलू, इसको हम अभी गाना गाने के लिए बोलेंगे। मामा इधर है ना, वीडियो डाल रहे हैं। कौन सा वीडियो? बंगला गाना। हाँ अच्छा, कौन सा बाउल है क्या? हाँ बाउल है। तो वो गाना मेरे ऑडियंस को सुना ना, गा के। हाँ गाना गा के। हाँ सुना। अभी डायलॉग झर रहा है। अभी कौन सा डायलॉग झर रहा है? तू सुना तो सही। सुना रहे हैं। हाँ सुना, उसको याद कर ले, रोक के फिर डायलॉग मार तू इधर। तो अभी हमारे हमको डायलॉग या गाना सुनाने वाला है। ओ गाना भालोबासार मतन। कौन सा? भालोबासार मतन। हाँ भालोबासले। भालोबासले हाँ, ताके हाँ ताके की यार भुला जाए। हाँ ताके की यार भुला जाए। भाई टकलू तो कहीं और जा रहा है भाई। क्या बोलता है उसको? कहाँ कहीं जा रहे हैं? है ये यहीं पर नहीं भाई, ये कहीं और जा रहा है, दूसरा कहीं जा रहा है। ये बैठ के भालो वासार मो तो भालो वासले ताते की यार भुला जाए। से की कोता मेरे भाई, माने यार की बोले आशिक प्रेमी की बोले बोला, अरे वही सब हो रहा है यार। आशिक प्रेमी पागार, मतलब इस तरह का आशिक हो गया है ना पूरा, देखो इसका बाल निकल चुका है। क्या कहें, एकदम गंजा होना एकदम मजबूरी है। मजबूरी क्या है, इसका गर्लफ्रेंड छोड़ उड़ के भाग गया है, उसका टेंशन में वो बाल निकल गया है पूरा, भाग चुका है। पता चले कि दूसरा गर्लफ्रेंड मिल ही नहीं रहा है इसको, छोड़ छाड़ के भाग गया है, इसीलिए गंजा कर रहे हैं। तो गाइस हम तो देशपाल के आदमी है, गांव में रहते हैं, तो हमारा काम क्या होता है, एक लट उठाओ और खेत में जाके चक्कर लगा के आओ कि खेत का हालत क्या है। तो खेत देखना है, धान देखे। हम लोग भी उसी तरह खेत का चक्कर लगा के पूरा परेशान हो गए, बैठ के आइए, तब यहाँ पे आके बैठ गए कि चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं। और इसी रोड पे इधर मतलब सड़क पे हम लोग गाय बछड़ा को बांध के रखे हैं घास चरने के लिए, फिर उसको चरा उड़ा के लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताना यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट जैसे कि मेरे वीडियो में क्या कमी रह जाता है आप लोगों के लिए, या फिर हमारे जो बोलने का तरीका है वो आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, हमारा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है कि नहीं, स्टाइल जबरदस्त, हमारा जो पहनावा है वो अच्छा लगता है कि नहीं, और ख़ास बात यह है कि हमारा गांव का जो पर्यावरण है और ये क्या होता है इसको खेतीबाड़ी होता है, तो ये आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, इसमें तो कमेंट ज़रूर बनता है लेकिन आप लोग कमेंट देते नहीं, करते नहीं है। पर कुछ चीज़ ऐसा चीज़ है ना, मतलब उसको बिल्डअप नहीं कर पा रहे हम, कि आप लोगों को कैसा लगता है, कैसा शूट, हम लोग को कैसा वीडियो बनाना चाहिए। तो ये तो चैनल ऐसा है कि डेली लाइफ, इस चैनल में डेली वीडियो आने वाला है, आप लोग अगर डेली वीडियो देखना पसंद करते हैं और मनोरंजन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो लाइक, तो वीडियो के साथ बने रहिए, और क्या बोलता है उसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें, और घंटी को भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो, आज का गुड न्यूज़ ये है कि इस टकले का गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के भाग गया है, और ये गाना क्या सुन रहा है, भालो वासार मो तो भालो वासले ताते की आर भुला जाए, मतलब ये भूल ही नहीं पा रहा है, जो बंगाली दोस्त छोड़ के चल गया, जो बंगाली दोस्त इस वीडियो को देख रहा है वो समझ पाएगा कि मैं कौन सा गाना का समझ नहीं पाएगा टाइटल आप लोगों को दिया, और ये कौन सा गाना सुन रहा है ऑलरेडी। रात का रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगा है, चश्मा लगाना होगा, सिंडी का चश्मा पहनना होगा भागीना को। सिंडी क्या होता है? सिंडी पटुआ का जो निकालता है छिका सब।
उसी को बोल रहा है सिंडी। अरे मामा कुछ ऐसा बताओ जो कि सबको समझ में आए, ये तो सिर्फ हमारे गांव के लोग ही समझ पाएंगे सिंटी और पटुआ। हाँ तो हुआ तो सिंडी और पाट, एक ही तो है ना पटुआ। तो गाइस मामा जी के बात पे उतना मतलब सीरियसली मत लेना, वो देहाती भाषा में बोल रहे थोड़ा बहुत। पिछले वीडियो में आपने देखा था तीन शक्तिमान, तीनों शक्तिमान में से एक शक्तिमान को मैंने फोन किया है जो कि फर्स्ट प्राइज आने वाला है, जीता था उसने, उसको मैसेज किया, वो बोल रहे कि मैं आ रहा हूँ। तो चलो देखते हैं कितने देर बाद, कितनी टाइम लगाता है वो, और हम उसका इंतजार करते बैठे बैठे। और फिर उसको कुछ चीज़ें मतलब बोलना है, बात करना है उससे, उस बंदे को भी वीडियो बनाने का बहुत शौक है, इसीलिए आ रहा है खाना वाना खा के। आज उसका इंटरव्यू लेंगे अच्छा से। हाँ तो वीडियो को थोड़ा यहाँ पे हम बंद करते हैं और हम वो आते ही हम लोग चालू करने वाले फिर। ओके तो वीडियो में बने रहिए, छोटे मचिए अकेले में। तो ये हमारा फर्स्ट प्राइज लेने वाला, अभी ये साइकिल लेके इस बहुत स्पीड में आया, देखो पसीना निकल रहा है, पसीना निकल। अभी मैं इसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, ठीक है? तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, छोड़ के बच जाना आधा अधूरा। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आनंद कुमार राय। व्हाट इज योर होम? व्हाट इज योर होम मतलब घर रे, घर कहाँ है? होम इज घर, दासटोला मसनपुर। दासटोला मसनपुर। व्हाट इज योर फादर नेम? व्हाट इज योर फादर नेम? माई बिजला रॉय। बिजला रॉय। व्हाट इज योर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर नेम? श्री लोकेंद्र राय। भाई जितना दुनिया शॉर्ट में भाग रहा है ना, उससे ज्यादा शॉर्ट में ये भाग रहा है। श्री लोकेंद्र राय, श्री तो होना चाहिए, इससे बड़ा तो श्री लगाना होगा ना। आ जा कोई नहीं, ना तो हम अच्छा इंग्लिश जानते हैं ना तो ये जानता है, तो हम हिंदी में ही बात कर लेते हैं, क्या जाता है हम लोगों का, है ना? क्या है, हिंदी में बात करना है ना जी। तो तुमको वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है क्या? हाँ। क्या है? इसलिए कि शहर में इतना लाइक मिलेगा। हाँ। और फेमस भी हम जाए सब आगे। जोर से बोल। फेमस यानी ये अच्छा होगा, आदमी सब सोचेगा वीडियो बना रहा है। हाँ। और अच्छा भी बना रहा है। हाँ। तो गलती नहीं है, बनाएगा तो इनका भी लाइफ बनेगा। लाइव बनाना चाहते हो? भाई हर कोई लाइव बनाना चाहता है वीडियो के साथ, तो वीडियो में कैसे लाइव बनेगा तुम्हारा बता? कैसे बनेगा देखते हैं जो क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है उसको, हमको भी मालूम नहीं है। नहीं मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। खाना खा के नहीं आया तू? नहीं खाया है, अभी बनाया ही नहीं तो खाएंगे। हाँ तो खेत में वो बहुत गरम गरम चाय मिल रहा है, पी ले जाके। अभी नहीं पियेंगे, क्या है एनर्जी आएगा ना तुमको। चलो फालतू का बात छोड़ देते हैं, थोड़ा काम का बात कर लेते हैं। बोलिए। तो कहना कि तुम हीरो बनना चाहते हो, है ना? पक्का? तो देख सकते हो दोस्तों ये हीरो का स्टाइल है और बैठा कैसा है। लेकिन अभी छोटा बच्चे कैसे ऐसे बैठा है? छोटा से नहीं, औरत के तरह बैठा है, ऐसे नहीं बैठने से नहीं होगा हीरो, सही समय एक्शन के साथ बैठेगा तभी तो हीरो। अरे बाप रे, अभी देख हीरो हीरो लग रहा है। तू हीरो बनेगा तो मैं क्या बनूंगा? आप भी बनेंगे। अरे तो हीरो एक ही बनेगा ना, जब एक ही वीडियो में आ रहे हैं सब। आप भी बनना चाहेंगे तो आपको भी बनाएंगे, कैसे ये थोड़े ना है, एक ही हीरो एक ही बंदा बनेगा, हम तीनों में से बता। यही हीरो बनेगा, तू हीरो बनेगा ना, बाकी सब हेलो हम ही बन जाते हैं। तो कोई नहीं, मेरे को साइड हीरो रख लेना, और ये बाबा नायक ना मामा ठाकुर है पूरा गंजा, कुछ भी चलेगा, डाकू रख देंगे, डाकू है ना रखने से सही है। तो गाइस आप छोटे छोटे गांव के बड़े बड़े सोच वाले बच्चे को देख सकते हैं, ये भी हीरो बनना चाहता है, सोशल मीडिया में आना चाहता है, तो इसको भी फेमस करने वाले हैं हम। तो वीडियो को शेयर करना है तभी, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना जी। तो इसको हम क्या बताइए, अभी कैसे इसको हीरो बनाएंगे बताओ दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताना इसको कैसे हीरो बनाना है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, चाहे बॉलीवुड में हो या टॉलीवुड में हो या सोशल मीडिया में हो, है ना, कहीं पे भी चलेगा, देहाती बोर्ड में भी होने से चलेगा, देहाती में भी चलेगा। देहाती में सोचना पड़ेगा इसके लिए, ये तो सोच रहे हैं कैसे बनेगा, बनेगा कैसे करके जानते हो? नहीं, एगो चढ़ना होगा ऊपर पेड़ में,
उससे नीचे गिरना होगा जमीन में। अच्छा एक चीज बता, तू हीरो बनना चाहता है तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कर पाएगा? मेहनत कर पाएंगे। इधर देख कैमरे में, बोल देख के बोल, मेहनत कर लेगा? हाँ करेंगे। तू इधर देख ना, बोलिए ना, इधर देख, इधर देखो ना, उधर भाई मेहनत कर लेगा तू? कर लेंगे। कौन सा मेहनत? तुमको खेती बाड़ी करना है? खेती बाड़ी भी करना, किसान है तो किसान खेती बाड़ी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो तू सोशल मीडिया में हीरो कैसे बनेगा? हीरो कैसे बनेगा? अरे क्या खेसारी लाल जब ये हीरो बना था, ये कि क्या किसान नहीं था तो कैसे धान लगाता, कैसे खाता है? तो मैंने क्या बोला कि तुमको मेहनत करना पड़ेगा, है ना? हाँ। तो कौन सा जगह पे मेहनत करोगे? क्या बोलता है? अंधेरा जगह में, अंधेरी जगह, अंधेरी जगह में मेहनत करना पड़ेगा तभी बनेगा हीरो। बता 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 क्या बोलता है? दुबई में जाके। दुबई? दुबई, वाह ये भाई का सोच एकदम बहुत भाई। ये तो मेरे को छोड़ के भाग जाएगा, मैं इसको कहाँ से सुपरस्टार बनाऊंगा बता? आपको भी लेके जाएंगे। मेरे को लेके जाएगा? हाँ। और बाकी सबको? तो पहले कौन बनेगा? जो पहले बनेगा वो ना उसको लेके जाएगा? तो पहले तुम्ही को बनना पड़ेगा भाई। इसका दिमाग अभी भी सेटअप नहीं है, अभी गर्म हो गया ना, इसे दिमाग गर्म हो गया है, खत्म हो गया। तो मैं एक चीज बता दूं। बताइए। ये तो हीरो बनना चाहता है, मतलब अच्छा, मतलब अपना परिचय बनाना चाहता है, मतलब पहचान बनाना चाहता है सोशल मीडिया में, वीडियो के थ्रू या फिर किसी और थ्रू। तो इसको मैं बोलूंगा कि इसको डेली वीडियो बनाना पड़ेगा, मेरे साथ हो या अपने आप हो या किसी और किसी के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, फेसबुक में वीडियो बनाए या यूट्यूब में वीडियो बनाए या इंस्टाग्राम में वीडियो बनाए, बात एक ही है। किसी में भी फेमस होने से बस एक बार फेमस होना है, बस बाकी तो अपने आप दौड़ेगा। तो एक बार फेमस होना है तुमको, बाकी फ्रेंड लोग जो देख रहा है वो अपने आप कर देगा, भगा देगा तुमको ऊपर। ऊपर भगा देगा तो क्या होगा? ऊपर में जाके वीडियो बनाएंगे। अरे ये इसको समझ नहीं आ रहा भाई, इसको भी गंजा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मेरे की तरह, इसको भी गंजा करना पड़ेगा तभी इसके दिमाग में भेजा में कुछ आएगा। इसका भी थोड़ा चलो काम का बच्चा, अभी छोटा, थोड़ा नादान है, थोड़ा समझने में उसको दिक्कत हो रहा है, समझाने में दिक्कत हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या करना चाहता है। तो अगर ये बनना चाहता है तो थोड़ा बहुत बना ही देंगे, तो इसको डेली काम देंगे हम। देखिए वो डेली का टास्क पूरा कर पाता है कि नहीं पाता है। हीरो तो बनना चाहता है, डेली टास्क अगर पूरा कर लेगा तो मेरे से भी ऊपर, ऊपर से भी ऊपर चला जाएगा ये। एक दिन इसका इंटरव्यू लेने के लिए हमको लाइन पर जाना पड़ेगा, है ना? मेहनत कर पाएगा ना? कर पाएंगे। तो दोस्तों इंटरव्यू यहीं तक था, तो अगर हमारे साथ बने रहना चाहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। आनंद रॉय ना जी, तो हमारे आनंद रॉय है, अगले वीडियो में इसको ज़रूर लेके आएंगे या फिर इसके वीडियो में मैं आने वाला हूँ, तो सपोर्ट ज़रूर करना आप लोग। गाइस यहीं पे करते हैं हम लोग, बाय बाय, अगले वीडियो के लिए हम इंतजार करते हैं।